I, Dr. Devendra Singh, Education Department of Gaya, Science Teacher, PGT from Jilla School. I will talk today topic of 10th class, but I don't know what is the name of the unit. आज मैं आपको वो चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, मेरे को खुद पता नहीं, मेरे को नाम पता नहीं है कि क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ, और मैं आपको उससे क्वेश्चन आर से शुरू करता हूँ। हमारे बिहार राज्य के बगल में कौन कौन से राज्य आते हैं? बिहार के बगल में कौन कौन से हमारे पड़ोसी राज्य कौन कौन है? एनीवन, कोई बच्चे बताएं, बिहार के बगल में कौन कौन से हमारे पड़ोसी राज्य हैं? झारखंड और यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक ताजमहल है, ताजमहल है, वो कहाँ पे है? आगरा में है। बहुत बढ़िया। ताजमहल क्यों प्रसिद्ध है? ओके, उनकी याद में बनाया था। ताजमहल जो महल बना हुआ है वो किस पत्थर से बना हुआ है? आप में से कोई बच्चे बताओ, संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। इसका रासायनिक नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यस, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इट्स केमिकल नेम, दैट मींस ये एक रासायनिक नाम है। कैल्शियम का एक रसायन है। इसमें कौन कौन से तत्व आए हुए हैं? तत्व कौन कौन से हैं? कौन कौन से तत्व हैं? कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन, यानी ये तीन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो तीन तत्व है, यानी कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के ये बना हुआ है, कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपने जो एलिमेंट्री फॉर्म में होता है वो O2 के फॉर्म में होता है, और ये हमारे पास इससे बना हुआ जो कंपाउंड है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। यानी इसका मतलब हुआ कि ये कैल्शियम कार्बोनेट जो मार्बल बना हुआ है, जिससे ताजमहल बना हुआ है, वो तत्व से मिलकर बना हुआ है, तत्वों के संयोग से बना हुआ। इसको हम लोग केमिस्ट्री के भाषा में प्रतिक्रिया कहते हैं, प्रतिक्रिया कहते हैं। केमिस्ट्री के भाषा में कैल्शियम कार्बोनेट को रसायन कहते हैं। अब ये जो प्रतिक्रिया होती है, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों साथ साथ होती है। हम लोग सारे बच्चे आप जानते हो कि जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी लाइफ के लिए क्या है, सबसे जरूरी क्या है जीवन जीने के लिए? जल, वायु। वायु मतलब कि वायु मतलब एयर। एयर मतलब कि हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन प्रक्रिया होती है। कौन सा गैस को हम लोग इनहेल करते हैं और कौन से गैस को छोड़ते हैं? जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, क्रिया है कि प्रतिक्रिया है? और जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है? तो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 कैसे छोड़ते हैं? ये क्रिया हमारा ऑक्सीजन लिए, CO2 कैसे छोड़े? अगर हम लोग CO2 नहीं छोड़ेंगे तो जीवित रहेंगे क्या? इसका मतलब हुआ कि हमारा शरीर खुद एक रासायनिक प्रतिक्रिया के वजह से होती है। और अभी आप जो यहाँ पर सामने देख रहे हैं, ये जो सामने आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन जिससे बना हुआ एक हमारा केमिकल है, इसका मतलब कि ये एक रसायन है। और इसके बीच में कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में प्रतिक्रिया हो रही है, तब इसका मतलब हुआ कि अभिक्रिया के बाद कोई ना कोई हमारे पास प्रतिफल आ रहा है। इसको हम लोग रसायन के भाषा में क्या कहते हैं? अगर एक शब्द में बोले तो क्या कहते हैं? दैट इज रासायनिक प्रतिक्रिया। क्या ये हमारा जो रसायन अंतिम में आया है, ये पूरा रासायनिक प्रतिक्रिया संतुलित है? संतुलित है, नहीं संतुलित है? तो इसका मतलब हुआ कि आपके दसम वर्ग के विज्ञान के पहले पाठ में कौन सा यूनिट है उसका नाम क्या है? कौन सा नाम है जो हम लोग उस यूनिट का नाम क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हो तुम लोग? रसायन विज्ञान, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। मैंने तो नहीं कहा था, तुम लोगों ने बोला है कि आज हम यही पढ़ाने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है, रासायनिक समीकरण और
अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण, यानी समीकरण को संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए आप जो अपने पहले से हीट एंड ट्रायल मेथड जानते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि देख देख करके बैलेंस करना होता है। हम लोग देख कर कैसे बैलेंस करते हैं? सबसे पहले कौन से तत्व को देख कर बैलेंस किया जाता है? कोई बच्चे बताए, सबसे पहले कौन से तत्व को देखा जाता है कि इसको बैलेंस करना चाहिए? सबसे पहले किस तत्व को देखा जाता है? कोई बोल रहा है ऑक्सीजन, वेरी गुड। कोई बोल रहा है कि ऑक्सीजन, किसने कहा ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहिए? वेरी गुड। सबसे पहला तत्व ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहिए। ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद दूसरा तत्व किसको बैलेंस करना चाहिए? दूसरा तत्व कौन है? हाइड्रोजन। नहीं नहीं, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन को बैलेंस करना। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो छोड़ देंगे, फिर दूसरे, फिर उसके बाद तीसरे चौथे जो भी तत्व आएंगे करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को आपको बैलेंस करना है। आप बच्चों बताओ कि ऑक्सीजन को बैलेंस इसमें कैसे करेंगे? हमारे दाएं तरफ ऑक्सीजन 3 है, बाएं तरफ ऑक्सीजन 2 है, इसको कैसे संतुलित करेंगे? क्या करें कि दोनों बैलेंस हो जाए? कोई बच्चे बताओ, क्या करें कि बैलेंस हो जाए? क्या करेंगे? इधर कितना है, इधर कितना है? अगर इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, देखो इधर मेरा ऑक्सीजन हो गया 6, इधर मेरा ऑक्सीजन हो गया 6, दोनों ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन इससे एक चेंज क्या हो गया? कैल्शियम की संख्या, कार्बन की संख्या, दोनों जो था इन बैलेंस हो गया। कैसे बैलेंस करेंगे? अब कैल्शियम इधर कितना दिख रहा है? ये हमारा 2 हो गया। कार्बन कितना दिख रहा है? कार्बन इधर 2। ये इस तरह से आपके जो रिएक्शन है ये आपका संतुलित हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में जो हमारे पास संबंध है वो कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, इसको हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। आपको बार बार दिमाग में हिट करना है कि किस तरह कौन से एलिमेंट को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दें ताकि वो दोनों तरफ हमारे पास संतुलित हो जाए। और वो नंबर पे ध्यान देना कि पहले ऑक्सीजन को सेलेक्ट करना है, फिर हाइड्रोजन को सेलेक्ट करना है। अब इसमें, इसमें सबसे पहला होता है कि रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह के होते हैं? कोई बच्चा बताए कितने तरह के रासायनिक अभिक्रिया जानते हो? 5। कौन कौन बोलो, 5 कौन कौन, 5 कौन कौन? विस्थापन अभिक्रिया, बोलते जाओ। विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन और वियोजन। ठीक है, आपके लेवल तक आपके पास 5 अभिक्रिया होते हैं। सही बात है कि 5 अभिक्रिया है, लेकिन अभिक्रिया की संख्या अनंत है, अनंत है। अभी आप जो हमने कहा था कि श्वसन क्रिया होती है, भी एक अभिक्रिया है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये हमारे पास ये भी अभिक्रिया है। तो हम लोग ऑक्सीकारक, अवकारक, बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे, दहन आप सुने होंगे, कंबशन दहन, बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जो कि हमारे पास इन प्रतिक्रिया को पहचानेंगे कैसे। जैसे अभी हम लोगों ने ये नहीं कहा था कि मेरा आज का टॉपिक क्या होगा, तुम लोगों ने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यही आज का टॉपिक है। अब रासायनिक अभिक्रिया किसको बोले, तो सांस लेना और सांस छोड़ना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसी प्रकार से अगर हम लोग ये कहें कि हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया है, वर्ग दशम के लिए 5 ही पढ़ना है, तो 5 के साथ आप आगे 5 और पढ़ सकते हैं। आपने कहा कि संयोजन मतलब क्या, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जोड़ना और घटाना, दो ऐसी क्रिया होती है मैथमेटिक्स में, एक को हम लोग एडिशन है, दूसरे को सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। एडिशन मतलब क्या हुआ? जोड़ना। संयोजन को हम लोग, संयोजन शुद्ध भाषा है, संयोजन शुद्ध भाषा है, उसको हम लोग जोड़ना कहते हैं। अगर ये हम लोग संयोजन करेंगे तो जुड़ जाएगा। कैसे जोड़ना है? आप लोग सारे मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि 1+1 इज इक्वल टू कितना होता है? 2 होता है, वेरी गुड। लेकिन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इस रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ेंगे 1+1 इज इक्वल टू 1, 2 नहीं। यहाँ पर जोड़ अलग तरीके का होगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन अलग तरह, घटाव अलग होगा। अब वो कैसे होगा? अब आप देखो यहाँ पे ये कार्बन कितना नंबर मैंने लिया है, नंबर 1 है। यहाँ ऑक्सीजन का नंबर कितना लिया है? 2 है, 1 है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 1 है, एबी नंबर 1 है, एबी नंबर 1 है, और दोनों मिल करके बना दिया CO2। कितने नंबर में है? 1 है। 1+1 = ग्रुप हुआ,
आज से क्या कहोगे, 1 + 1 = 2? कभी 2 नहीं कहना, 1 + केमिस्ट्री में, वेरी गुड, केमिस्ट्री में मैथ के टीचर ना पिटने लगेंगे अगर आप ऐसे बोले ना कि 1 + 1, पिटाई होने लगी। 1 + 1 = 1 इन केमिस्ट्री है, इसको कहते हैं एडिशन, एडिशन रिएक्शन, अरे हमारे पास हुआ संयोजन, अगर ये संयोजन हो गया इसके बाद इसका उल्टा आप क्या बोले, वियोजन, वियोजन मतलब डिसोसिएशन, टूटना, मतलब कि आपको 1 से 2 बनाने हैं। इस बार होगा कि 1 = 1 + 1, इस बार हम लोग 1 = 2 करने जा रहे हैं, तोड़ेंगे इसको, इसी रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं। ये देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको यहां से कार्बन ले लिया और यहां से ऑक्सीजन कर दिया, क्या हुआ, 1 = 2, 1 से 2 मिला, 1 कार्बन डाइऑक्साइड उसे 2 मिला। उसके बाद इसने कहा कि सर विस्थापन, उसके बाद हमारे पास द्विविस्थापन, उसके बाद हमारे पास दहन, ऑक्सीकारक, अवकारक, ये सबके एग्जाम्पल को। अब विस्थापन का मतलब क्या हुआ, आप सभी बच्चे क्लास दसम के छात्र हैं, आप में से कोई दूसरे स्कूल के दसम के छात्र इसमें आना चाहता है, इस क्लास में आना चाहता है, और संख्या हमारे पास 85 बच्चे को लेना है, हमको उसमें से एक दूसरे बच्चे को उसमें ले लाना है, हमारे पास क्या तरीका होगा, कैसे इसमें से 50 में से किसको निकालेंगे या किसको लाएंगे? तो हम लोग सिंपल एक कंपटीशन करा देते हैं, बोले हैं कि भाई जितने बच्चे आप चाहते हैं इस 50 में आने के लिए, 50 पहले से मेरे पास बच्चे हैं, अब इसमें से विस्थापित वो होगा जो हमारा अगला बच्चा होगा इन 50 से आगे निकल जाएगा, जो सबसे पीछे होगा उनको हटा देंगे, आने वाले की मजबूती होनी चाहिए और जाने वाले को कमजोर होना चाहिए, तो इसको हम लोग विस्थापित कहेंगे, आने वाला भी जो होगा वो मजबूत होगा और जाने वाला कमजोर होगा, तो उसको हम लोग विस्थापित कहेंगे। अब जिसे सामान्य आप प्रतिक्रिया जानते हैं कि अब मैं यहाँ पर प्रतिक्रिया लिख रहा हूं, ZnSO4+C, क्या यहाँ पर जो ये रिएक्शन लिखे हैं ये संभव है, जो मैंने लिखा है ये संभव है? Yes. संभव है? Yes. क्या यहाँ पर कॉपर सल्फेट और जिंक बन सकता है? Yes. नहीं बन सकता है, मैंने गलत लिखा है, जिंक को विस्थापित करने के पास कॉपर के पास पावर नहीं है। Yes. ठीक है, है नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जिंक जो है मोर एक्टिव है कॉपर से, कॉपर से ज्यादा एक्टिव है, वो ज्यादा क्रियाशील है, उसको कैसे हटा सकता है, इसलिए यहाँ पर ये विस्थापन नहीं होगा। अभी मैं बोला कि 50 बच्चे तुम लोग हो, इसमें कोई दूसरा आना चाहता है तो एक कोई बच्चा को उसे कमजोर होना पड़ेगा, उसका मार्क्स कम आना पड़ेगा, किसी तरह से उसमें कमजोरी आना पड़ेगा, यानी ये संभव नहीं है। जब भी कोई हमारा तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित तभी कर सकता है जब वो तत्व आने वाला तत्व उससे ज्यादा क्रियाशील हो, ज्यादा क्रियाशील हो, यानी इसको उल्टा कर दो, किसी प्रतिक्रिया को उल्टा कर दो, CnSO4+ Zn = ZnSO4+ copper। देखो अब उल्टा हो गया, यानी जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया। ये बताओ एकल विस्थापन है कि द्विविस्थापन है, ये रिएक्शन एकल है कि द्वि है? नहीं, गलत, एक ही विस्थापन हो रहा है, जिंक कॉपर को विस्थापित कर रहा है, सल्फेट तो रह गया ना, सल्फेट तो दोनों में रह गया। देखो तो ये कहां विस्थापित हुआ, ये तो इसके साथ जाकर मिल गया, ये किसका विस्थापन कहां हो रहा है, फिर जिंक का विस्थापन हो रहा है। तो जब किसी अभिक्रिया में एक तत्व एक दूसरे तत्व को विस्थापित करता है तो एकल विस्थापन, जब दो दो तत्व दो दो तत्व दो दो तत्व को विस्थापित करेंगे, अब इसमें से आपको 50 में से 2 बच्चे को हटाना है तो 2 लाने हैं, तो उसको द्विविस्थापन कहेंगे।